केमिस्ट्री क्लास फोर में आप तमाम स्टूडेंट्स को एक दफा से फिर पूछाऊंगी। चैप्टर नंबर थ्री को हम स्टडी कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के बाद अब हम ट्रेंड को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड और शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड जो है उसको डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। फिर तारीफ पे गौर करें, वो कहता है कि इट्स अ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहां पे तीन बातें समझने के काबिल हैं। एक पॉइंट तो ये कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूसरी बात आइसोलेटेड या गैसियस का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं एक एग्जांपल के तौर पर एटम शो करता हूं, जैसा कि हमारे पास सोडियम का एटम है। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और सबसे बाहर वाले लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो सबसे बाहर वाला शेल है, सबसे आखिरी शेल, सबसे आखिर वाला, उस शेल को हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। ये हमारे पास वैलेंस शेल है आखिरी, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट वाला। और जो उसके अंदर वाले शेल्स हैं, आखिरी शेल से अंदर वाले, जैसा कि मैं इनकी बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है या पहले शेल में मौजूद है, इनको हम कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो सबसे बाहर वाला शेल है वैलेंस शेल, और उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर वाले शेल्स हैं उनके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो जवाब है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोलेटेड आर गैसेस। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हा, जैसे आजकल COVID-19 के हालात आपके सामने है, कहा जाता है कि हम खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल अकेले हैं, ना हमसे कोई मिलने आए ना हम किसी से मिलने जाए, बिल्कुल तन्हा। तो यहां पे भी आइसोलेटेड गैसेस का वही मतलब है कि एटम बिल्कुल अकेला खड़ा है, ना वो किसी से अटैक हो रहा है, ना खुद किसी को अटैक कर रहा है, ना कोई दूसरा एटम उसको रिपेल कर रहा है, ना वो किसी को रिपेल कर रहा है, बिल्कुल अकेला खड़ा है। तो इस सूरत को हम कहते हैं आइसोलेटेड
गैसियस स्टेट। और इस आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में जब भी किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उस दौरान जो हमें एनर्जी की मिकदार देना पड़ेगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये सोडियम का एटम है, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके पास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो अब जब उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट चाहिए वो अमाउंट है 496 किलो जूल पर मोल। अब ये एनर्जी हमें चाहिए क्यों? ये एनर्जी हमें चाहिए इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। इन दोनों के अंदर जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 496 किलो जूल पर मोल। तो अब यहां पे हम एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक सोडियम का एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो केटाइन बन जाएगा। अब एनाइन केटाइन आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे केटाइन बनता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे एनाइन बनता है। तो यहां पे जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इस दौरान जो एनर्जी की अमाउंट थी वो अमाउंट हमें कितनी रिक्वायर्ड है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए? वो है 496 किलो जूल पर मोल। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी या किसी भी एनर्जी को जो मेजर करने का यूनिट है, मेजरिंग यूनिट, वो हमारे पास होता है किलो जूल पर मोल। मतलब डेफिनेशन आपने देख ली कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और सोडियम को अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एनर्जी की अमाउंट कितनी है? 496 किलो जूल पर मोल। जहां पे किलो जूल पर मोल क्या है? ये यूनिट है किसी भी एनर्जी को मेजर करने। यहां तक आपकी डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर। अब आपकी बुक में जो अगली बात करता है वो ये करता है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज हायर देन टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। मतलब अगर हम एक ही एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकालें, एक ही एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकालें तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। मसलन मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है। जब वो अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके 1+ चार्ज आएगा और इस दौरान जो हीट की अमाउंट है फर्स्ट एनर्जी वो है 738 किलो जूल पर मोल एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते। और जब यही मैग्नीशियम एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब आपके मैग्नीशियम प्लस जो है, प्लस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है और अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा है, तो यहां पे जब ये मैग्नीशियम दूसरा इलेक्ट्रॉन 2+ मतलब है अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक पहले निकाला था और एक अब निकाल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो इस दौरान जो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो है 1450 किलो जूल पर मोल। मतलब कि सेकंड एनर्जी जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह समझे, जब हम किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आखिरी शेल पे अट्रैक्शन कम होती है। मसला एक चीज तो और मेरी बात को समझिएगा कि रस्साकुशी हो रही है, रस्साकुशी
एक तरफ 12 खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ भी 12 खिलाड़ी हैं, बराबर का शोर है, मतलब जितना पोस्ट एक इस साइड पे मेंबर है उतने इस साइड में है, जोर बराबर है। इसी तरह इसकी बात की जाए तो सोडियम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन, तो बराबर का जोड़ है। अब जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन होंगे 10, प्रोटॉन हो गए 11। अब 11 10 को खींच रहे हैं, पहले 11 11 को खींच रहे थे तो जितनी भी एनर्जी लगी वो दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी क्योंकि अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी बात को फिर गौर से समझें, जब किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है। When first electron is removed from valence shell, then the force of attraction of nucleus become more stronger on remaining electrons. That's why we need more energy to remove the second electron, and we need more and more energy to remove the third one and fourth one. मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे पीछे, देखना एक न्यूक्लियस 11 को खींच रहा है तो ताकत कम, 10 को खींचे ताकत ज्यादा, 9 को खींचे और ज्यादा, तो अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से एनर्जी हमें क्या है ज्यादा देना पड़ता है। अब हम चलते हैं इसके ट्रेंड की तरफ कि आया भी पीरियडिक टेबल के अंदर पीरियड में और ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। पहले हम बात करते हैं इन पीरियड्स, पीरियड्स में याद रखिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, पीरियड में बढ़ती है ग्रुप्स में कम होती है, मतलब याद रखिएगा इन पीरियड्स आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड्स when we move from left to right, मतलब पीरियड के अंदर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की वजह क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, इस बात को समझने के लिए अगर आपने पिछला लेक्चर एटॉमिक साइज वाला समझा था तो आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, हम जरा रीजन की तरफ जाते हैं। हमने पढ़ा था कि जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, एटम का साइज छोटा होता है। अब जब एटम का साइज छोटा होता जाएगा, और छोटा क्यों हो रहा है ये बात भी आपने पिछले लेक्चर में देखी कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती है, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ेगी तो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस ज्यादा मजबूती से उसको अपनी तरफ खींचेगा, जितना वो ज्यादा मजबूती से खींचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फिर गौर करें जैसे जैसे लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं एटम का साइज छोटा हो रहा है, क्यों छोटा हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस की ताकत बाहर वाले शेल पे बढ़ती जा रही है। अब जब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जा रही है तो उस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और यही वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है।
अब हम चलते हैं ग्रुप्स की तरफ, यहां पे भी सेम वही सिचुएशन आएगी ग्रुप्स में। क्या सिचुएशन थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उसकी वजह क्या है? वजह यह है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं एटम का साइज क्या होता है वो बढ़ता है। ऊपर से रीजन की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं एटम का साइज बढ़ रहा है। एटम का साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। देखिए ना, अगर एक एटम का साइज इतना है तो उसका सिर्फ एक ही शेल है तो वो तो न्यूक्लियस के करीब है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ताकत स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई एटम दो शेल्स पे कंसिस्ट कर रहा है तो उसके अट्रैक्शन बारे वाले पे कम होगी, तीन पे कंसिस्ट कर रहा है तो और कम। मतलब जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस की ताकत अपने आखिरी शेल पे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जब अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हो रही है तो उस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, तो जब इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है तो हम इसी वजह से कहते हैं कि हमें थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। मतलब ग्रुप्स के अंदर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे वीक होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता जा रहा है, आसान होता है। तो पीरियड के अंदर साइज छोटा होता है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही है, तो हम थोड़ी सी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो यहां पे आपका ये टॉपिक मुकम्मल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। आप डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद आप इक्वेशन लिखेंगे, यूनिट बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, फिर आप ट्रेंड में पीरियड और ग्रुप्स को बताएंगे लेकिन रीजंस के साथ। अक्सर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछते हैं कि सर क्या हमने ये याद करना है या जो बुक में लिखा है वो याद करना है कि या लाइन लाइन हम उसको प्रिपेयर करें। तो देखिए, लेक्चर आपको टॉपिक समझाने के लिए दिया जाता है, जरूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी बुक को पकड़ के हम यहां पे छाप दें। छापना मकसद नहीं है, मकसद है आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए और जब क्लियर हो जाए तो फिर वो पूरा टॉपिक आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने सब कुछ याद करना है, पीरियड का ट्रेंड विद रीजन, ग्रुप का ट्रेंड विद रीजन, आपने रीजन मस्ट याद करनी है। तो काइंडली स्टूडेंट्स लेक्चर को प्रॉपरली लिया भी करें। मैंने अक्सर सीन किया है कि जो आप लोग जस्ट लेक्चर को देख लेते हैं, हमें YouTube पे आइडिया हो जाता है कि कितने व्यूअर्स हैं, कितने वाचिंग आवर्स हैं, तो मैं नोट कर रहा हूं कि 9th क्लास के स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं ना होने के बराबर। तो प्लीज अपनी कंसंट्रेशन लेक्चर पे और अपनी स्टडीज पे रखें, इन दिनों को जाया मत करें। मैं इंशाल्लाह चैप्टर 3 के बाद टेस्टिंग की तरफ भी मूव करने लगा हूं, तो साथ साथ आप काम प्रिपेयर किया करें। जैसे हालात हैं इन हालात के अंदर जितना हम बेस्ट कर सकते हैं हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। खुदारा अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर तवज्जो दें और अपने घर में रहें। शुक्रिया।